जूनी इंदौर मुक्ति धाम में पिछले 35 वर्षों से लावारिस और अन्य शवों का दाह संस्कार करने वाले सोहन कल्याणे आज अपने कार्य से सेवानिवृत्त हुए। उनकी निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए इंदौर सुल्तान एकता सेवा समिति द्वारा सोहन कल्याणे का भाव भिना स्वागत किया गया। समिति के साथ ही अन्य लोगों ने उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। जूनी इंदौर मुक्ति धाम पर लगातार 35 सालों तक शवों का अंतिम संस्कार करने वाले सोहन कल्याणे आज शुक्रवार को अपनी सेवाओं से रिटायर्ड हो गए हैं। इंदौर सुल्तान एकता सेवा समिति द्वारा उनकी सेवाओं को लेकर उनके प्रति आभार प्रकट कर उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना की गई। इस दौरान सोहन कल्याणे ने बताया कि पिछले 35 वर्षों से वह निरंतर जूनी इंदौर मुक्ति धाम पर शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हालांकि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह अपनी सेवाएं मुक्ति धाम पर जारी रखने की बात कर रहे हैं। वहीं सोहन कल्याणे से 35 सालों के यादगार लम्हे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना के 2 वर्ष जिस तरह से शहर के सभी मुक्ति धामों में अंतिम संस्कारों में टोकन के माध्यम से शव का अंतिम संस्कार किया गया था, वह दिन आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। किस तरह से कोरोना संक्रमित शव को अपने परिजनों के बिना दाह संस्कार किया गया था। मैं सेवाएं तो करीब 35 साल से दे रहा हूँ और मुझे आने जाने वाले लोगों का बहुत सहयोग है और जितने भी मेरे को लोग ये विदाई देने आए इन ये सब लोग मेरी हिम्मत हैं, मेरा हौसला है। मैं इनकी वजह से ही काम करता था और आगे भी मैं करता रहूँगा, इनका साथ रहेगा। जय श्री सालों की आपने जो सेवाएं दी है इस दौरान कुछ ऐसा वाक्य जो आपको एक जहन में रहा कि आपकी यादें ताज़ा रहे। बस मेरे को तो पूरा जीवन काल कुछ नहीं हुआ, केवल ये जो लॉकडाउन के समय था 2-4 महीने का, ये बहुत स्थिति ऐसी थी कि मैं शब्दों में कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपसे। हाँ, बहुत विक्रम परिस्थिति थी। आगे किस तरह से सेवा या फिर आप किस तरह से काम किए? बस करता रहूँगा, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलता रहूँगा, हाथ पैरों में मेरी ताकत रहे बिल्कुल। सोहन पिता जीवनलाल कल्याणे। वहीं सुल्ताने एकता सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 35 वर्षों तक सोहन कल्याणे जूनी इंदौर मुक्ति धाम पर अपनी सेवाएं दी है। हालांकि सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह को अन्य कोई व्यक्ति नहीं भर सकता है। वहीं सोहन कल्याणे की पत्नी संतोष कल्याणे ने बताया कि पिछले 35 वर्षों से परिवार के शादी समारोह में अकेले जा जाकर थक गई थी, लेकिन अब सेवानिवृत्त होने के बाद पति के साथ हर समारोह में शामिल होने का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर नगर निगम सफाईकर्मी सोहन कल्याणे को भारी मन से उनके कार्यस्थल जूनी इंदौर मुक्ति धाम से विदाई दी। इस दौरान शहर की सामाजिक संस्थाएँ व संगठन द्वारा उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी गई। आपको बता दें आज सोहन कल्याणे का जन्म दिवस भी है और अपने कार्य से आज ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इस दौरान उनके प्रशंसकों द्वारा उनका जन्म दिवस केक काटकर मनाया गया। हाँ सर, मैं सुल्ताने इंदौर एकता सेवा समिति का प्रेसिडेंट अध्यक्ष हूँ। पहले मेरे पिताजी जी कार्य करते थे, उनको सोहन जी का पूरा समर्थन सहयोग मिलता था और वही सहयोग समर्थन मेरे को भी मिलता आ रहा है। और इनकी तो सेवा का अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, अद्भुत सेवा है इनके पास में। जब भी इनको फ़ोन करो ना, अपन तत्काल सेवा में मेरे साथ हाजिर हैं, चाहे वो सड़ी गली डेड बॉडी हो या अच्छी बॉडी हो या परिवार वालों की अंतिम संस्कार करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो उनको, उनके साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से वो सेवा बराबर देते आ रहे हैं। ये उसके जाने के बाद किस तरह से खालीपन यहाँ पर महसूस करेंगे? हाँ सर, वो तो बहुत मुश्किल है। पिछले 35 वर्षों से सेवा देते आ रहे थे और आज इनका जन्मदिन भी है और उसके पश्चात आज एक अंतिम संस्कार का दाग भी यही देंगे। एक अज्ञात शव है मेरे पास में, थाना आज़ाद नगर का है, पिछले 4 दिन पुरानी है वो शव और उसका अंतिम संस्कार इनके शुभ हाथों से आज के दिन होगा। ये भी प्रभु की कृपा है कह सकते हैं अपन, कि अल्लाह का शुक्र एहसान है हम लोगों के ऊपर कि इनको हमने आज के दिन भी खाली हाथ नहीं जाने दिया है, आज के दिन भी हमने उनसे सेवाएं ली हैं। हाँ, उनको 35 साल हो गए यहाँ सेवा देते हुए, सुबह 6 बजे से तो रात को 8 बजे तक ये सेवा पूरी यहीं देते हैं। कभी हमारे घर में कोई कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए, शादी में नहीं हुए, कोई टाइम स्पेक्ट नहीं करा, कोई पार्टी शादी ब्याह कोई एंजॉय नहीं, सिर्फ पूरा टाइम इन्होंने यहीं दिया। अब देखो आगे क्या इन, अब उनको सेवानिवृत्त हो गई है तो आपको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर ना जाते वापस यहाँ तो नहीं आ जाए? वो तो यही सेवा देंगे, जब तक स्वस्थ रहेंगे जब तक सेवा यही देंगे, आगे और ईश्वर की इच्छा। मैं तो वैसे साथ ही रहती हूँ उनके ज़्यादातर।
किस तरह से आप उन दिनों को याद करते हैं कि जिस दिन आपको बहुत ज़रूरत पड़ी थी और वो आपके साथ मौजूद नहीं थे? नहीं रहते कभी, शादी में, ब्याह में, परिवार में, सम्मेलन में, शादी में जाना रहता, कभी साथ नहीं रहते, वो यही सेवा देते हैं। फिर रात को तो उनकी इच्छा होती नहीं ड्यूटी पे से आने के बाद कहीं जाने की। बहुत हम परिवार में वो बहुत दुखी महसूस करते हैं, कोई इनका पूछते हैं तो कहने में भी बड़ा वो लगता है कि भाई वो वही सेवा दे रहे हैं। ये आप साथ में रहेंगे तो आप किस तरह से, आप तो बहुत अच्छा ही लगेगा, क्यों नहीं साथ में जाएंगे आएंगे, अब कोई प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, वो फिर इनकी इच्छा पे सेवा तो यही देंगे ये पूरे टाइम। अपना पता, परिचय दे। संतोष कल्याण है, सोहन कल्याण।